गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। डाइजेस्टिव सिस्टम के नेक्स्ट लेक्चर में हमको पढ़ना है हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो देखिए, हिस्टोलॉजी बेसिकली हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, लॉगस दैट मीन्स टू स्टडी। दैट मीन्स स्टडी अबाउट द टिश्यू ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हम आहार नाल के टिश्यू के बारे में अध्ययन करेंगे इसमें हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। उससे पहले आप लोग जो है एक डायग्राम बना लेंगे जिससे काफी आसानी हो जाएगी। ये देखते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ गटवाल के बारे में। तो अगर हम बेसिकली देखें, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है, इस एलिमेंट्री कैनाल का अगर हम टीएस काट दें, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन का जो व्यू होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है गटवाल के सबसे बाहरी लेयर जो होती है, इसको हम बोलते हैं सेरोसा। और इसमें फर्दर दो लेयर होती हैं, आउटर एलएमएल एंड इनर सीएमएल। लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर और सर्कुलर मसल लेयर बोलते हैं। इन दोनों को मिला करके बनता है मस्कुलरिस एक्सटर्नल। इसमें जो बाहर वाली होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर होती है, मतलब जो मसल्स होती हैं वो इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और अंदर वाली जो होती हैं ये सर्कुलर मसल लेयर होती है इस तरीके से। थर्ड होता है आपका सब म्यूकोसा। ये थिकेस्ट होता है और इसके नीचे फिर से प्रेजेंट होता है आपका दैट इज द ल्यूमन।
जो अंदर खाली स्पेस होगा वो गट ल्यूमेन कहलाता है या ल्यूमेन कहलाता है। बाहर में फिर से वही बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर और अंदर की तरफ सर्कुलर मसल लेयर। आउटर एलएमएल और इनर सीएमएल सर्कुलर मसल लेयर, इन दोनों को एक साथ जो है हम बोलते हैं मस्कुलरिस एक्सटर्ना, सॉरी मस्कुलरिस म्यूकोसा बोलते हैं। मस्कुलरिस म्यूकोसा, फिर इसके अंदर वाली जो लेयर होती है दैट इज लेमाइना प्रोपिया, और सबसे अंदर की तरफ होता है इंडोथेलियम, और इन सबको मिला के हम बोलते हैं म्यूकोसा। ये जो रीजन होता है सब म्यूकोसा का, इसमें ढेर सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, लिम्फ वेसल्स पाई जाती हैं, समथिंग लाइक ऐसे ही इसी जो म्यूकोसा की लेयर होती है लमाइना प्रोपिया, उसमें भी ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स पाई जाती हैं। जो आउटर एलएमएल है और इनर सीएमएल, ये पेरिस्टाल्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी मस्कुलरिस एक्सटर्ना जो होता है ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कॉज करता है, पेरिस्टाल्सिस कॉज करता है। लाइक दैट द मस्कुलरिस म्यूकोसा जो होता है ये भी पेरिस्टाल्सिस कॉज करता है, दैट इज द हिस्टोलॉजी ऑफ गट वॉल। बेसिकली चार लेयर पाई जाती हैं, पहला होता है सेरोसा, दूसरा होता है मस्कुलरिस एक्सटर्ना, तीसरा है सब म्यूकोसा और चौथा है म्यूकोसा। ये फोर लेयर पाई जाती हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल में या गट में। तो देखेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में, पॉइंट देखिएगा, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हैज फोर लेयर, दैट इज सेरोसा मस्कुलरिस एंड सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, इसको पूरा मस्कुलरिस एक्सटर्ना बोलते हैं। सेरोसा आउटर मोस्ट लेयर एंड इट इज मेड अप ऑफ मेसोथेलियम एंड सम कनेक्टिव टिश्यू। तो सेरोसा जो होता है ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, दूसरा है मस्कुलरिस या इसी को मस्कुलरिस एक्सटर्ना भी बोलते हैं, स्मूथ मसल कंसिस्टिंग ऑफ आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल, इसमें दो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल लेयर पाई जाती है। इन सम रीजन लाइक द स्टमक ऑब्लिक मसल आर आल्सो प्रेजेंट, अंडरलाइन कर लीजिएगा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना आउटर एलएमएल इनर सीएमएल होता है, बट स्टमक में क्या होता है एक अलग से लेयर और पाई जाती है जिसको बोलते हैं ऑब्लिक मसल लेयर। थर्ड सब म्यूकोसा लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड कंटेन्स द नर्व्स ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स। इन डियोडिनम सब म्यूकोसा हैज ब्रूनर्स ग्लैंड, अंडरलाइन कर लीजिएगा, डियोडिनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट के सब म्यूकोसा रीजन में ब्रूनर्स ग्लैंड पाया जाता है जो कि म्यूकस सिक्रेट करता है।
mucosa. It is the inner lining layer of alimentary canal and it has three parts. The outer muscular mucosa, made up of longitudinal and circular muscle layer. Middle lamina propria, made up of connective tissue, blood vessels, gland and lymphatic tissue. And innermost epithelium. The mucosa is divided into three sublayers, that is next, it forms the villi, which are it forms the rugae, that is irregular fold in the stomach. तो स्टमक में ये रगे का फॉर्मेशन करता है. आपको मैंने बताया था कि स्टमक के अंदर जो है कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या फोल्डिंग्स पाई जाती हैं जिनको हम रगे बोलते हैं. इट आल्सो फॉर्म द विलाई विच आर स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. साथ में ये विलाई का भी फॉर्मेशन करता है. दोनों का सर्फेस एरिया बढ़ने से एब्जॉर्प्शन बेटर होगा. सेल्स लाइनिंग villi, we are the micro villi which seen as brush border. So, jo cells jo hai villi ko contain karte hain. Villi ke upar microfibril like structure paaye jaate hain jinko micro villi bolte hain. माइक्रोविला इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन इनोमरसली. कई गुना ज्यादा जो है माइक्रोविलाई और विलाई मिलकर के दोनों जो है सरफेस एरिया को कई गुना तक बढ़ा देते हैं. विलाई है ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फ कैपिलरीज कॉल्ड द लैकियस. देखिए सिंगल विलाई के अंदर एक स्मॉल लिम्फ सेल पाई जाती है जिसको हम लैकियल बोलते हैं. ये विलाई हो गया आपका. विलाई के अंदर जो है एक सिंगल लिंफ वेसल अगर जो पाई जाती है तो सिंगल लिंफ वेसल को हम बोलते हैं लैकियल. गॉबलेट सेल्स ऑफ म्यूकोसा सिक्रेट द म्यूकस फॉर लुब्रिकेशन ड्यूरिंग द फूड पैसेज. जब फूड पास होता है आपके एलिमेंट्री के नाल से तो उस दौरान गॉबलेट सेल जो होती हैं ये म्यूकस सिक्रेट करती हैं. ये स्टमक में पाई जाती हैं गॉबलेट सेल. डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ऑफ स्टमक एंड क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन्स ऑफ इंटेस्टाइन are found by the mucosa. तो mucosa region में जो है जो digestive gland होते हैं stomach के वो भी mucosa में पाए जाते हैं और crypt of liver cones. crypt of liver cones को हम intestinal gland भी बोलते हैं. देखिए बेसिकली हम लोग पढ़ रहे थे मैमलियन डाइजेस्टिव सिस्टम. मैमलियन डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा था कि मैमल का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर के बना हुआ होता है. तो हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात कर ली. अब हम बात करने जा रहे हैं एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड की.
digestive gland associated with the alimentary canal include the salivary gland, liver and pancreas. So basically teen gland ke bare mein humko padhna hai. Salivary gland jo saliva yani lard ka secretion karta hai, liver jo ki bile synthesize karta hai, pancreas jo hota hai pancreatic juice release karta hai. फर्स्ट देखते हैं सेलिब्री ग्लैंड. देखिए सेलिब्री ग्लैंड की संख्या जो है हमारे पास तीन है. रिपेयर सेलेवरी ग्लैंड देखिए पहला है पैरोटिड सेलेवरी ग्लैंड, ये लार्जेस्ट होता है. वही इसकी पोजीशन की बात कर लेते हैं. इस पैरोटिड सेलिवरी ग्लैंड की जो पोजीशन होती है जस्ट बिलो एंड फ्रंट ऑफ द ईयर, यहां पर पाया जाता है. और ये जो है ये एक डक्ट के थ्रू जाकर ओपन होता है अपर सेकेंड मोलर के पास. यहाँ सेकंड मोलर होता है वहां पे ओपन होता है ये, और जिस डक्ट के थ्रू जाकर ओपन होता है उस डक्ट का नाम होता है एक्सटेंशन डक्ट. एक्सटेंशन डक्ट तो देखिए लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड है. डक्ट कौन सी पाई जाती है? एक्सटेंशन डक्ट. ओपन कहाँ होता है? नियर द अपर सेकंड मोलर. अपर सेकेंड मोलर और टोटल सलाइवा का ये 10% कंट्रीब्यूट करता है, सॉरी 20% कंट्रीब्यूट करता है. जितना टोटल सलाइवा सिक्रेट होता है उसका 20% सलाइवा जो होता है वो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट करता है. पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड में कभी कभी एक इन्फेक्शन हो जाता है मेग्जो वायरस का. इसका पूरा नाम होता है पैरा मेग्जो वायरस. पैरा मेग्जो वायरस जो होता है ये मम्स डिजीज कॉज करता है. मम्स मतलब होता है गलसुआ बोलते हैं, मतलब चीक रीजन में स्वेलिंग आ जाती है रेडनेस के साथ. तो मम्स होता है वायरल डिजीज है. पैरा मेग्जो वायरस जो होता है ये डिजीज कॉज करता है. ये पैरोटिड सलिवरी ग्लैंड का इन्फेक्शन होता है. साथ ही साथ पैरोटिड सलिवरी ग्लैंड एक एंजाइम सिक्रेट करता है दैट इज सलिवरी एमाइलेज.
या टाइलिन बोलते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हो गई। पहली सलेवरी ग्लैंड है पैरोटिड की। चलिए अब दूसरे सलेवरी ग्लैंड की हम बात कर लेते हैं। दूसरा सलेवरी ग्लैंड है सब मैगजिलरी और सब मैंडिबुलर। सलेवरी ग्लैंड तो देखिए जो अपर जो होता है हमारा ऊपर वाला जबड़ा और जो निचला जो जबड़ा होता है, तो अपर जो जो होता है ये दो बोन से मिलकर के बना होता है, दो मैगजिला होती हैं, बट नीचे वाला जो होता है एक सिंगल बोन होता है मैंडिबल, उसी से मिलकर के बना हुआ होता है। अब इस मैगजिला और मैंडिबल के जंक्शन पर सब मैगजिलरी सलिवरी ग्लैंड जो होता है या सब मैंडिबुलर सलिवरी ग्लैंड, इसकी ओपनिंग जो होती है एक डक्ट के थ्रू सेंट्रल इंसाइजर के पास होती है। सेंट्रल इंसाइजर, इस डक्ट का नाम होता है वार्टन्स डक्ट। इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट सलेवरी डक्ट। ये लॉन्गेस्ट सलेवरी डक्ट होती है क्योंकि जो एंगल पर पाया जाता है एट द जंक्शन ऑफ मैगजिला मैंडिबल और सेकेंड लार्जेस्ट होता है टोटल सलाइवा का, 70% कंट्रीब्यूट करता है, 70% भाग जो है ये अकेला बनाता है। तीसरा सलेवरी ग्लैंड देख लीजिएगा सबलिंगुअल। सबलिंगुअल सलेवरी ग्लैंड के बारे में देखेंगे। देखिए सबलिंगुअल सब लिंगुआ का मतलब होता है टंग, इसी टंग के नीचे ये ग्लैंड पाई जाती है। सबलिंगुअल सलिवरी ग्लैंड हो गए। तो यहाँ देखिएगा दो तरह की डक्ट पाई जाती हैं, एक होता है सिंगल बट मेजर डक्ट, इसको हम बोलते हैं डक्ट ऑफ बर्थोलिन।
और ढेर सारी पतली पतली होती हैं, मेनी माइनर डक्ट। इन डक्ट को हम बोलते हैं डक्ट ऑफ रेविनस। छोटी छोटी पतली पतली कई सारी होती हैं, इनकी ओपनिंग जो होती है वो नियर द फ्रेनुलम लिंगुआ होता है, पोस्टीरियर सरफेस की तरफ। और ये टोटल सलाइवा का 10% कंट्रीब्यूट करता है। आइए तो देखते हैं सलिवरी ग्लैंड के बारे में। ह्यूमन बीइंग हैव थ्री पेयर ऑफ सलिवरी ग्लैंड। तीन पेयर सलिवरी ग्लैंड होती हैं, पैरोटिड सबमैग्यूलरी और सब मैंडिबुलर, और तीसरा होता है सबलिंगुअल सलिवरी ग्लैंड। सलाइवा कंटेन्स द एंजाइम दैट इज टाइलिन, इसी को हम सलिवरी एमाइलेज बोलते हैं। Tylin act on the starch and convert it into the maltose. It is in the presence of chloride ion. तो क्लोराइड आयन हमारे सलाइवा में पाया जाता है, तो सलाइवा में ही जो है ये एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो ये हमारे स्टार्च को जो है माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, यानी डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है, बट इसके लिए जो है क्लोराइड आयन की नेसेसिटी होती है। सेरस सेल सिक्रेट्स द सलिवरी एमाइलेज एंड म्यूकस सेल सिक्रेट द म्यूकस। डेली सिक्रेशन ऑफ सलाइवा इज 1.5 लीटर, अंडरलाइन कर लेंगे। एंड ऑप्टिमम पीएच जो होता है ये 6.8 होता है। पर डे अमाउंट ऑफ सलाइवा जो होता है एक से डेढ़ लीटर होता है, या डेढ़ लीटर दो लीटर के आसपास होता है। तो डेढ़ लीटर ऑन एवरेज आप याद रखेंगे, 1.5 लीटर। नेक्स्ट सलाइवा है सलिवरी एमाइलेज, दैट इज अल्फा एमाइलेज आर टाइलिन, लाइसोजाइम, वाटर एंड सल्यूट सच एज सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। एक पॉइंट और है देखेंगे। मम्स इज अ वायरल डिजीज कॉज्ड बाय पैरामिक्जो वायरस कॉजिंग द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। मम्स एक वायरल इन्फेक्शन है जिसके केस में क्या होता है, जो पैरोटिड सलिवरी ग्लैंड हमारा होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, इनलार्जमेंट आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लीवर। देखिए हमको सलिवरी ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियाज के बारे में पढ़ना है। सलिवरी ग्लैंड के बारे में हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास तीन पेयर सलिवरी ग्लैंड है, पैरोटिड सबमैग्यूलरी और सब मैंडिबुलर, और तीसरा है सबलिंगुअल सलिवरी ग्लैंड। तीनों में डक्ट के नाम याद रख लीजिएगा, पहले में जो है आपका स्टेंसन डक्ट, दूसरे में वार्टन्स डक्ट है, और तीसरे में मेन डक्ट जो है डक्ट ऑफ बर्थोलिन। ढेर सारी पतली पतली जो डक्ट है उनको बोलते हैं डक्ट ऑफ रेविनस। जो पैरोटिड सलिवरी ग्लैंड है आपका वो एक एंजाइम सीक्रेट करता है जिसको हम टाइलिन बोलते हैं, सलिवरी एमाइलेज बोलते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है।
उसके अलावा जो ऑप्टिमम पीएच होना चाहिए सलाइवा फॉर्मेशन के लिए या उसकी एक्टिविटी के लिए होता है 6.8। सेकंड है सब मैंडिबुलर और सब मैगुलरी सलाइवरी ग्लैंड जो है टोटल अमाउंट टोटल सलाइवा का जो है ये 20% सॉरी 70% कंट्रीब्यूट करता है। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लीवर के बारे में।